भारत में क्रिकेट का सालाना जलसा यानी आईपीएल का जुनून पूरे शबाब पर है। आईपीएल को दुनिया की सबसे महंगी क्रिकेट लीग माना जाता है। सैकड़ों खिलाड़ी मैदान पर, हजारों दर्शक और मोबाइल टीवी के सामने जड़े करोड़ों प्रशंसक। अरबों रुपए के इस खेल में जितना रोमांच मैदान के भीतर है उतना ही मैदान के बाहर भी होता है। अब ऐसे में बारिश या किसी अन्य कारण से अगर मैच रद्द हो जाए या किसी महंगे खिलाड़ी को चोटिल होना पड़े तो उसका फटका भी करोड़ों में ही जाके लगता है। इसलिए आईपीएल के आयोजक टूर्नामेंट का बीमा करवाते हैं। आपको पता है कि बारिश के कारण मैच धुलना या फिर आपके पसंदीदा खिलाड़ी के चोटिल होने से कितना भारी नुकसान होता है? इसे हम क्लेम के आंकड़ों से समझ सकते हैं। बीमा कंपनियों के लिए बीते 5 साल में पहली बार 2024 का आईपीएल बहुत महंगा पड़ा है। इस साल बारिश के कारण मैच वॉश आउट और खिलाड़ियों के चोट के कारण उन्हें आईपीएल से जुड़े करीब 150 करोड़ रुपए के क्लेम मिले हैं। 2024 के आईपीएल की शुरुआत के टूर्नामेंट के लिए न्यू इंडिया इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंश्योरेंस से 10,000 करोड़ का इंश्योरेंस कवर लिया गया था। आयोजकों ने बारिश के कारण मैच रद्द होने से कमाई के होने वाले नुकसान से बचने के लिए यह बीमा लिया था। इस साल के आईपीएल की बात करें तो अभी तक गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स, राजस्थान रॉयल्स और केकेआर और सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के बीच मैच जो हुआ है वो बारिश के कारण प्रभावित हो चुके हैं। इस हफ्ते टूर्नामेंट में क्वालिफायर और एलिमिनेटर के मुकाबले खेले जा रहे हैं। वीकेंड पर फाइनल है और यहाँ एक बार फिर बारिश के खलल की आशंका जताई जा रही है। हालांकि रिजर्व डे की व्यवस्था भी है लेकिन दक्षिण भारत में लगातार बारिश के चलते बीमा कंपनियों के क्लेम बढ़ने का भी डर सता रहा है। बीमा कंपनियों से जुड़े लोगों का मानना है कि अभी तक 3 मैच बारिश के कारण धुल चुके हैं। वहीं कई बड़े बड़े खिलाड़ी चोटिल भी हुए हैं जिसके कारण बीमा कंपनियों पर क्लेम की लागत 5 साल में सबसे ज्यादा बढ़ गई है। सूर्य कुमार यादव और इस सीजन की सनसनी मयंक यादव ने भी चोट के चलते कई मैच मिस किए हैं। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। 2021 के सीजन में दिल्ली कैपिटल्स के तत्कालीन कप्तान श्रेयस अय्यर चोटिल हो गए और उन्हें टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा, लेकिन इंश्योरेंस के चलते अय्यर को उसके बावजूद उनकी पूरी मैच फीस यानी 7 करोड़ रुपए मिल गए। अगर बीमा नहीं होता तो शायद श्रेयस को एक भी पैसा नहीं मिलता। इसी तरह ऋषभ को भी इंश्योरेंस के चलते आईपीएल की अपनी पूरी फीस और इलाज का खर्चा भी मिला। इस बार आईपीएल के सीजन में कई खिलाड़ी की फीस काफी बड़ी है। अब मिथुन स्टार्क को देख लीजिए जो 24 करोड़ 75 लाख के साथ आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए। इस सीजन में जेसन रॉय, मोहम्मद शमी, मार्क वुड, डेविन कॉनवॉय और हैरी ब्रुक जैसे खिलाड़ी चोटिल या निजी वजहों से बाहर हो चुके हैं। अभी तक मैच के प्रायोजकों, प्रसारकों, टीम प्रायोजक और फ्रेंचाइजी के मालिकों ने रद्द हुए मैच से कमाई के नुकसान की भरपाई के लिए क्लेम दायर किए हैं। बढ़ते क्लेम का असर सिर्फ आईपीएल तक ही सीमित नहीं है। बढ़ते क्लेम को देखते हुए अगले साल आईपीएल टूर्नामेंट के लिए बीमा प्रीमियम में भी जोरदार वृद्धि होने की संभावना है। अब जान लेते हैं कि आईपीएल के एक मैच पर खर्च कितना आता है। विभिन्न रिसर्च एजेंसियों की रिपोर्ट पर गौर करें तो आईपीएल के प्रत्येक मैच का मार्केट प्राइस आमतौर पर 100 करोड़ से 125 करोड़ रुपए के बीच होता है। टूर्नामेंट की बीमा पॉलिसी मैच की कमाई, प्रसारण की लागत, खिलाड़ियों से जुड़े खर्च और इवेंट कैंसिल होने जैसे कई प्रकार के खर्चों को कवर कराती है।